अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में जहां बीते दिन हुई बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए, लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, वहीं चरमराई बिजली व्यवस्था ने स्थानीय ग्रामीणों का भी जीना बेहाल कर दिया। गांवों में लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों का जीना लगातार बेहाल है। तल्ला सल्ट के ग्राम कोटली तल्ली कोटली मल्ली के ग्रामीण नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग ने कोटली तल्ली में 2015 और 16 में नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सर्वे भी किया था, लेकिन फिर भी नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मल्ली कोटली में बीते 3 साल से 62 KV ट्रांसफार्मर खराब चल रहा है। एक फेज से करीब 150 ग्रामीणों को कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में लाइट डिम स्थिति में आ रही है और डिम लाइट होने के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीण डिम लाइट के सहारे जीवन यापन करने में लाचार है। इसके अलावा ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि जल्द समाधान नहीं किया गया तो शीघ्र धरना प्रदर्शन भी करें। तलासल्ट क्षेत्र अंतर्गत हमारा गांव कोटली तल्ली कोटली मल्ली व तो वैखेता, 3 गांवों में लगभग 150 बिजली के कनेक्शन हैं, जिनको कि हफ्ते 10 दिन से बिजली के बिना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल पहले से हमारी कोटली तल्ली के लिए अलग से ट्रांसफार्मर की डिमांड की गई थी, जिसमें कि विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि 2015-16 में इसकी सर्वे भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कई बार हम पत्राचार के माध्यम से विभाग को सूचित कर चुके हैं और एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे कोटली मल्ली में लगा दिया गया है जो कि 62 KV का है। 3 साल से वह खराब चल रहा है, सिंगल फेज चल रहा है, सिंगल फेज से ही 150 कनेक्शन चल रहे हैं, जो कि एक हफ्ते से बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लो वोल्टेज हो चुकी है, शाम होते होते बिल्कुल लो वोल्टेज हो जा रही है, जिससे कि कई टीवी कई फ्रिज कई पंखे फूक चुके हैं और बच्चों को पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मैं खुद SDO सर को फोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो फोन उठाते नहीं है। तो मेरा विभाग से निवेदन है और मांग भी है कि जल्द से जल्द इस बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। आज हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या बनी है लाइट की। 7 दिन हो गए हैं प्रॉपर नहीं लाइट आ पा रही है, नहीं पंखे चल पा रहे हैं, नहीं बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। हम SDO साहब से बातें कर चुका हूँ, SDO साहब ये हमारी जो हमारे ट्रांसफार्मर है इसको चेंज किया जाए, मगर SDO साहब से कोई जवाब नहीं। वो कहते कि एक हफ्ता रहेगा। 10 साल से बोल रहे हैं हम और समस्या बहुत बनी हुई है, तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारी समस्या दूर की जाए, ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए। धन्यवाद।